बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत के संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं, और उनके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की जो सरकार है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये सरकार पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने वाली सरकार है, वंचितों को न्याय दिलाने वाली सरकार है, सामाजिक समरसता हर स्तर पर बढ़ाने वाली सरकार है। और हमको तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं आज अपने बूथ पर भी, मेरा बूथ नंबर 41 है, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को अपने बूथ के स्तर पर मना रहा है। इससे बड़ा सम्मान किसी पार्टी की तरफ से और हो नहीं सकता। जिस प्रकार की सामाजिक समरसता का संदेश, वंचितों को न्याय दिलाने का संदेश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को दिया है, उसके कारण से ही आज संविधान की तरह से देश में लोकतंत्र पूरी तरह से चल रहा है। मुझे वो दिन याद है कि मैं दिन भूलता नहीं कि जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, जो हमारे सफाई सैनिक हैं, महिला सफाई सैनिक थे, पुरुष सफाई सैनिक थे, उनके चरणों को जब धोया था, ये देश के लिए एक देखने वाला अद्भुत दृश्य था। प्रधानमंत्री मोदी जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सपना है, जो दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी ने कहा था कि अंत्योदय से मतलब है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जब तक वो समाज की बराबरी में नहीं आ जाता, उसको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल जाता, तब तक ऐसी शासन व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। और उसको कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हमारे संविधान की रचना की, जिस तरह से वंचितों को न्याय की बात की, जिस तरह से सबको बराबरी का हक दिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर के एक भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण आज की सरकार भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलकर कर रही है। आज के दिन ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर लोगों ने आयोजित किया है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई। बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता हैं और हमेशा सब को साथ लेके चलने की शिक्षा उन्होंने पूरे देश को दी है। आज मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सनी चंदेलिया जी और उनकी पूरी टीम को, और बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय श्री सतीश उपाध्याय साहब का, जो हर साल लगातार मैं देख रहा हूँ जितने 10-15 सालों से, कि वो आज के दिन घर से जल्दी निकलते और तमाम बूथों पे, तमाम लोगों के बीच में जाके बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती को मनाते हैं, एक संदेश देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, समरसता का जो नारा है, सबको साथ लेके चलने का जो नारा है, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। मैं इनकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और यहाँ पर आए हुए तमाम साथियों का, तमाम भाइयों का, तमाम बहनों का, जो आज बड़े उल्लास के साथ आज घर से निकल के बाबा साहब का जो आज ये भंडारा भजन जो यहाँ पे इसमें भाग ले रहे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और पुनः सनी चंदेलिया जी का मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, जो अक्सर लगातार ऐसे समाज को जोड़ने की बात करते और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बाबा साहब की जयंती पे। और देखिए, आज बहुत ही, हम ये सोचते थे कि अब की होली पे हमें कोई खुशखबरी मिलेगी, अब की दिवाली पे हमें कोई खुशखबरी मिलेगी, अब की नए साल पे कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन हमारे सतीश उपाध्याय जी के प्रयास से वो हमको एक खुशखबरी अम्बेडकर जयंती पे मिली है। तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशखबरी कोई नहीं है कि जो हमारी बहन बेटियां, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इलेक्ट्रिक में भाई हैं या सफाई सैनिक हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि सतीश उपाध्याय जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि मोदी जी ने उनके चरण छुए, तो पहले इस बिरादरी को, वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी को कोई किस नाम से पुकारता था, कोई किस नाम से पुकारता था, लेकिन आज एक सफाई सैनिक का नाम जो देके मोदी जी ने हम पे ऋण, हम कैसे चुकाएंगे और कैसे नहीं। और सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ में, हमारे बड़े भाई, कंधे से कंधा मिला के जब भी हम इनको बुलाते हैं तो हमारे साथ में खड़े रहते हैं, चाहे कभी भी आधी रात को भी कभी कोई दिक्कत होती है, दीपक भाई को फ़ोन करते हैं, 36 बिरादरी और पूरा वाल्मीकि समाज के लिए दीपक भाई को बोलते हैं, हम कभी भी भाई साहब सतीश उपाध्याय जी के पास, चेयरमैन जी के पास जाते हैं, तो वहाँ से हम कभी भी निराश नहीं होके आते, चाहे कभी भी कोई भी काम हो। अभी क्या बोलूँ, लेकिन ये दिल जानता है, यहाँ की पब्लिक जानती है कि बस, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे कोई काम नहीं है,
यहाँ के विधायक का एनडीएमसी काम करती है, सफाई हो या इलेक्ट्रिक हो या कुछ भी हो, होल्टी के जो आज सुंदरता दिख रही है वो एनडीएमसी क्या वर्कर कर रहा है, ना कि कोई विधायक कर रहा है। यहाँ बाबा साहब ने जो मुहिम छेड़ी थी, हर घर से शिक्षित होना चाहिए और कोई जाति नहीं, हर जाति से शिक्षित होना चाहिए, आज इसी उसको लेके हमने यहाँ गोल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा भंडारा और गीत संगीत बाबा के नाम से किया है। और आप सभी को, पूरे देश प्रदेश वासियों को हम बाबा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। चंदेलिया जी का मैं बड़ी तारीफ करूंगा, चंदेलिया जी की, सनी जी की, और ये तो अक्सर हमेशा करते ही रहते हैं। और हम तो नस्वत करते हैं बाबा जी को कि इन्होंने जो हमें उपदेश दिया, आदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन्होंने हमें जीना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिखाया, एक सर इज्जत से सर उठाकर जीना सिखाया, उन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मेरे उनके चरणों में सशक्त नमन। और सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने 3 चीज़ सिखाई, शिक्षित रहो, संगठित रहो और अपने बच्चों को शिक्षित करो, आगे बढ़ाओ। क्योंकि एक हमारे समाज में दो रहे, एक शिक्षित रहा, एक ने रामायण रची, एक ने इस देश की जो डेमोक्रेसी है जो रची, संविधान जिसे हम कहा करते हैं, तो ये दो चीज़ें हमारे समाज में बहुत अच्छा रचा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी देशवासियों के, जो हमारे समाज में जो अभी बच्चे शिक्षित नहीं हैं, कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। तो एक एक माँ हमारे पास एक ऐसा विकल्प है, शिक्षित, अगर हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ। सारे विश्व में, हम भारत की बात नहीं कर रहे, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, सारे विश्व में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी बाबा साहब की जयंती को मिलजुल कर बना रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया, इतनी कठिनाइयां सहन करके, बाबा साहब चाहते क्या थे? बाबा साहब चाहते थे देश के अंदर समानता आए, समरसता आए। चंदेलिया जी, जो हमारे समाज के बहुत ही कर्मठ जुझारू वह इंसान है, हमसे हमेशा सबके लिए तत्पर रहते हैं, उनके द्वारा आज ये विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और भजनों का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए, कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो धन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, सो पिएगा सो ढालेगा।